सुफना माने सपना इस लड़की तेग का कि जो उसके डैडी आर्मी में से मिसिंग हो गए थे वो एक दिन लौट करके घर आ जाएंगे। तेग की माँ एक कश्मीरी मुस्लिम थी जिनको तेग के पापा से उनके ड्यूटी के दौरान प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली। तो मित्रों सुफना एक बहुत ही शानदार रोमांटिक कॉमेडी पंजाबी मूवी है। तेग की माँ की डेथ उसके जन्म के समय ही हो गई थी। अपने ताया ताई के साथ रहती थी, उसकी ताई उसे सारा घर का काम करवाया करती थी। तेग के पास एक तिजोरी थी, ये बक्सा, जिसमें वो अपने मम्मी और अपने डैडी से जुड़ी हुई यादें रखती थी। और इस फिल्म का म्यूजिक एंड लिरिक्स, वाह वाह क्या बात, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। तो तेग का केवल एक ही सपना है कि उसके डैडी लौट आए और उसकी खुशियां लौट आए। तेग की ताई बार बार उसको ताने मारती है कि उसके डैडी अब नहीं लौटने वाले, उसकी फौजियों का क्या पता कहाँ चले गए हों। इन तेग का पूरा विश्वास है कि एक दिन उसका फौजी जरूर लौट के आएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी, तेग और जित्ते की पहली मुलाकात, लव एट फर्स्ट साइट, वाह क्या बात है। अब जित्ते नु भूख लगनी काम हो जाती है, जबकि पहले सारा दिन खाते रहता था। भूख, गर्मी, सर्दी, नींद, सब गायब। और ये किताबों वाला किसी भी लड़की को अपने वश में करने का टोटके वाली किताब जित्ते नु देंदा है। तो जित्ता किताब में लिखे हुए नुस्खे को पढ़ के कब्रिस्तान से मिट्टी लेकर आता है और जो पहला बंदा मिले उससे फूक मरवाने की। इसमें इस मूवी का बेस्ट सीन, कहिंदे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया, प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। फिर जित्ते नु एहसास होंदा है कि उसका तो प्यार सच्चा है ना, तो बस में क्या करना किसी को। फिर जित्ता तेग के सारे घर के काम निपटा देता है और उसे छुप के, लेकिन एक दिन तेग को पता चल जाता है कि वो जित्ता ही है जो उसके सारे काम कर देता है पीछे से। फिर तेग नु अपने बाबू दी याद आंदी है जब वो कह रहे हैं उसको कि नाम बुलवा के क्या करना है, प्यार करो तो रब वर्गा, निस्वार्थ सेल्फलेस लव। मेरी अद्दी मुसलमान होने दुनिया बहुत गल्ला करती है, डरना आदत है मेनू। और यहाँ पर दोनों को पता चलता है कि हाँ, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। म्यूजिक, लिरिक्स और वाक्य शानदार, गोल्डन एंड वाइट कॉम्बिनेशन, सुकून ही मिल जाता है आंखों को देखकर। और फिर जित्ते का फ्रेंड तेग को बताता है कि जित्ते के कोलो है कि पूछ उसको उसका डैडी की डेथ कैसे हुई है ना। तेग जित्ते नु कहंदी है कि तुसी कोड़ो जॉब जब क्यों नहीं कर लेते हो। जित्ता कहता है कि जॉब कहाँ मिलती है, बिना पैसे के तो जॉब मिलती ही नहीं ना। जबकि तेग का कहना था कि कुछ पढ़ लिख के करे, परिश्रम करे, मेहनत करे और अच्छी सी नौकरी लगे, अपनी जमीन वापिस करे, तो यहाँ पे दोनों सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन में 13 महीने के बाद तेग बहुत याद करती है जित्ते नु,
और जितना अपना कॉलेज गया हुआ है पढ़ने को, इस बात का तेको पता नहीं था। लेकिन आहो आहो जीत ओ तो आप हॉस्टल गया पढ़न, पिछले यारी चंगे नंबर ले गया सी, ऐतकी कहना भाई 15वीं है, कोई चजना पढ़ लिए। ये बात जानकर तेक को बहुत खुशी होती है और फिर वो अपने वही पुराने फ्रूट्स कचरी को लेने के लिए दौड़ पड़ती है और खुशी की लहर कॉलेज में जितते की फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड उसको प्रपोज करने ही वाले थी उसके बर्थडे के दिन, कि जित्ता कहता है कि इन बात में कुछ नहीं रखा, पैसा ही है जो कुछ भी है, प्यार व्यार इश्क सब बेकार की बातें हैं। फिर जित्ते को एक कॉल आंदा अपना फ्रेंड दा और वो कहता है कि तुमने तो झूठ बोला यार मेरे को, तेक तो अभी भी तेरी सफलता के लिए काम नहीं कर रही है, दुआएं मांग रही है और तो घरे से लड़ाई होगी। फिर जितते नु एहसास होता है कि तेग तो उसकी ही तरक्की के लिए चाहती थी और दुआ कर रही थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको बोलती है कि गांव में जाके सॉरी बोलते उसको। जित्ता तेग नु मोबाइल फोन गिफ्ट करता है और बातें शुरू हो जांदियां ने फोन ते उत्ते। नाल लवाने प्या करने आ पोचे नहीं लाउण दंदा तन्नू मैं ठिपाई सी जद अम्मी मुक की ते ओदी उडीक वी। तू ना निंबू ते शहद ला के लाया कर मुंह ते। केड़ी फ्रेंड हैगी? तेग बहुत खुश है। लेकिन फिर उसकी ताई 80,000 रुपए के लिए उसका रिश्ता पक्का कर देती है। गल 80,000 च पक्की कर दे पर पैसे मैं सारे ब्याह तो पहला लेने। ए ताई हजे की आ होर किन्ने दिन तैनू घर बिठा के रखांगे, इतना सोना रिश्ता आया है मुंडा सड़का बनाउंदा नाले तेरा की पता लगदा मां वांगू कदों सिर च खेप पवा दे, टाइम नाल आपदे घर जा साडी भी फिकर मुकूगी। तू मैनूं मिल ना सकदा मेरे पिंड। फिर तेग जित्ते नूं मिलन लई अपने पिंड बुलांदी है और अपनी माँ के जो याद के रूप में उसके पास गहने थे वो दे देती है ताकि वो अपना पढ़ाई पूरी कर सके, अच्छी सी नौकरी लग जाए, तेग का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर जीत तेग के लिए केक लेके आता है और तेग मोबाइल वापस कर देती है, ये कहती है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसका तो मंगना हो गया है। मेरा मंगना हो गया। चल चंगा। ओ, मेरी केक। तेरे बिना मैं की चन्ना वे। और ये पेन जाके ना उदे बारे माड़ा चंगा बोलना है। जीत और उसके दोस्त निर्णय करते हैं कि वो लड़के के कान भर देंगे तेग के खिलाफ। यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी। ओ लिसन केयरफुली भाई, कोई और कुलविंदर हैगा इत्थे? आहो हैगा, ओ बुलडोजर चलाउंदा नहीं भाई, नहाउंदी नहीं जूआ, यू कांट इमेजिन भाई चिड़िया अज गल तो गल भी गलत। लेकिन फिर जीत को लगता है कि वो ऐसे तेग को बदनाम नहीं कर सकता, असि तने जो भी क्या, तो वो लड़के को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ पे तो लड़का को लगता है कि जीत की बात मान लेगा लड़का, लेकिन अगले ही सीन में ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਆਦੀਆਂ ਸਹਿਣੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਛੱਡੂ, ਯਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਸੱਚਿਆਰੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲੱਖ ਦੇਵਾਂ 32 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਨੀ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਚੱਪੂੰਗਾ ਅੱਕ, ਤੂੰ ਬਸ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। पहले जहाँ 6 महीने की बात हो रही थी रिश्ते की शादी की, अब
5 दिन का समय देता है लड़का कि शादी करवा दो। घरोती सारी मेहनत खराब हो जो। सस्रीकार सरदार साहब। तेग का ताया पैसे के लिए जीते के दोस्त के घर जाता है तो जीते के दोस्त को पता चल जाता है इस बात का, और वो फिर फोन करके जीते को सारी सच बतला देता है। जीता कहता है कि भाई बस एक बार बात करवा दे यार, किसी भी तरीके से करवा दे। और फिर उसका दोस्त जान पे खेल कर उसकी बात तेग के साथ करवाते हैं। जीता कहता है बस दो दिन तो किसी तरीके से झेल ले यार, मैं जरूर आ जाऊंगा। फिर तेग जीते नु कहती है कि वो कहाँ मिलेगी, बस तुम आ जाना। ये निस्वार्थ प्रेम ही था जिसके कारण 2 दिन तक बिना खाए पिए और इतनी सर्दी को झेल लिया तेग ने। जीता वापस लौटता है और उस लड़के को लगता है कि ये तो ऐसे बाई बाई कर रहा था तो इसमें क्या ही जान होगी ना, तो उसको पजादागिरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही लाफ है मैं ढेर। जीता तेग के बताए हुए पते पर जाता है और ये फ्लैशबैक। वेलकम टू द इंडियन आर्मी। मूवी का दूसरा बेस्ट सीन, शानदार एक्टिंग, तेग कहती है कि ताई ने अपने पास नहीं सोया तो क्या मंजी तो दिखती है सोने लई, खाना तो खिलाया है, भूखा तो नहीं रखा, अगर चूरी नहीं खिलाई तो अगर ये नहीं संभालती तो मैं तो रुड़ ही जाती। मेरा फौजी आ गया। फिर कहती है मेरे को बेचो ना, देख मेरा फौजी आ गया। अगर मूवी देख रहे हो तो सुपना एक सेल्फलेस लव के ऊपर बेस्ड बिंदास मूवी जरूर देखनी चाहिए।